बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और वेन्यू भी डिसाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों वेन्यू जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्रिकेट की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बीसीसीआई ने 9 शहर अनाउंस किए हैं कि आप टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर रहें और तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों इसमें पहला शहर है बेंगलुरु। तो दोस्तों बेंगलोर में आपको पता है चिन्नास्वामी स्टेडियम बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है, उसके लिए प्रिपरेशन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आईपीएल में भी वहां पर मैच हो रहे हैं लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी उस पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, तो वो भी बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आईपीएल के मैचेस भी होते हैं, तो उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान था, अब अरुण जेटली मैदान हो गया है। इसके बाद दोस्तों है चेन्नई का स्टेडियम, वो भी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट चुका है। इसके बाद है कोलकाता का ईडन गार्डन। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद और दोस्तों इसके बाद है धर्मशाला का आपने क्रिकेट ग्राउंड देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर जब क्रिकेट मैच होता है तो देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है। इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और जो सबसे नया जो वेन्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है वो है लखनऊ। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ के बड़े मैदान में कैसे तैयारियां होती हैं टी20 वर्ल्ड कप की। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी और आपके हिसाब से कौन सा स्टेडियम इसमें और होना चाहिए था, कौन सा शहर इसमें और ऐड होना चाहिए था, वो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। और दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के लिए कोई मैसेज भी आया तो वो भी ज़रूर लिखें, हम आने वाली वीडियो में वो भी ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।